After patching up Rishad Sugan's Sinha, Rekha came for the Mahurat of his next production, Aaj Phir Jeene Ki Tamanna Hai, in which she is also acting opposite him. The Mahurat was attended by Shatrughan Sinha with wife Poonam, daughter Sonakshi and his sons. 27 साल की लड़की है, 25-26 साल की लड़की, जिसके पीछे मैं लगा हुआ हूँ, यानी जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, और वो कहानी बहुत मजेदार है, ये हर घर की कहानी है, मैरिड लोगों की कहानी है, शादीशुदा लोगों की खासकर, और हर उम्र के लोगों को मुझे लगता है पिक्चर पसंद आएगी, इसमें रेखा भी है, आज फिर जीने की तमन्ना है कि हीरोइन, और साथ में इसमें ऋषिता भट्ट भी है, जो एक यंग लड़की, युवा, वो जो मेरे प्रेम में और मैं उसके प्रेम में, लेकिन फिर होते होते बीच में रेखा, और जब जानते हैं रेखा बीच में आ जाएंगी तो फिर सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, सब कुछ पस्त हो जाता है। जी बिल्कुल, विशेष है, बहुत ही स्पेशल फिल्म है ये। इस फिल्म में बहुत समय के बाद मेरे पतिदेव और रेखा जी आ रहे हैं, और मुझे लगता है ये एक तरह का कास्टिंग कू है जो कि बहुत सालों के बाद हुआ है, और पिक्चर भी बहुत बेहतरीन बनी है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से दोनों में जो केमिस्ट्री मैंने देखी इस फिल्म को बनाने के टाइम पे, मुझे लगा कि ऐसे लगा कि ये लोग कभी बीच में काम करना बंद किए ही नहीं थे। सोनाक्षी यहाँ फिल्मों में आ रही है, वो उसको सलमान खान की प्रोडक्शन ने साइन किया है, अरबाज खान प्रोडक्शन ने अपनी फिल्म बना रहे हैं, और उसमें सलमान खान के ऑपोजिट वो काम करेंगे। उम्मीदें तो बहुत ही ज़्यादा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये 30 साल बाद की जोड़ी आ रही है, एंड जो केमिस्ट्री तब थी वो आज भी बरकरार है। खास यही है कि आजकल की फिल्मों की तरह नहीं है ये बहुत ही अर्दी फील होगा इस फिल्म में, एंड वेरी नाइस रोल, ऑल थ्री कैरेक्टर्स, दैट इज अरबाज, सलमान एंड माई सेल्फ हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स टू प्ले, एंड आई थिंक यही खासियत है इस फिल्म की। The way Rekha appeared to be chatting and bonding with the Sinhas, it seemed the 30-year-old cold war between Shatru and Rekha never really happened.